सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी, जिस दे विच आत्म विश्वास दे विच आउंदिआं चार वड्डे ऐलान किसान आगुआं दे वल्लों कर दित्ते गए ने। केंद्र सरकार सोशल मीडिया ते काफ़ी ज़्यादा सख्त हुंदी दिखाई दिंदी है। फेसबुक, व्हाट्सएप अते ट्विटर नूं सख्त चेतावनी केंद्र सरकार दे वल्लों जारी कर दित्ती गई है। लखा सधाणा ने किसान आगुआं नूं की अपील की है, नौदीप कौर नूं छडाउण दे लई हुण मुहिम तेज़ हुंदी दिखाई दिंदी है। कैप्टन सरकार दीआं पोलां खोल दीआं दो खबरां भी तुहानूं दस्सांगे, सारी जानकारी देंगे। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो। 26 जनवरी नूं जो भी घटनाक्रम होया उस तो बाद एक बार निराशा किसानी अंदोलन दे विच छा गई सी, पर बाद विच ज्यों ज्यों एक बार फिर तो लोगों का समर्थन किसानी अंदोलन नूं मिलिया उस तो बाद किसान आगू फुल कॉन्फिडेंस दे विच आउंदे दिखाई देंदे ने। संयुक्त किसान मोर्चे की बीते दिन एक बैठक हुई, उस तो बाद चार वड्डे ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कर दिते गए, जिस दे विच राजस्थान दे टोल प्लाजे फ्री कराउण दा ऐलान कर दिता गया। एक होर वड्डा ऐलान जिस दे विच 18 फरवरी नूं 12 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक पूरे देश दे विच रेल रोको अंदोलन चलाया जाएगा। पुलवामा दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि भी दित्ती जाएगी अते किसानां दी पूरे देश दे किसानां दी एकजुटता भी दर्शाई जाएगी, भाव पूरे देश दे विच वख-वख जगह ते किसानी प्रोग्राम कीते जाणगे। दूजे सूबिआं दे विच महापंचायतां दे सफल होण तों बाद वारी पंजाब दी भी आ गई है। यूपी दे विच, राजस्थान दे विच, हरियाणा दे विच महापंचायतां कीतियां गईआं सन, किसानां दे वड्डे वड्डे इकट्ठ कीते गए सन अते अज जगराऊं दे विच अनाज मंडी दे विच एक वड्डा इकट्ठ किसानां दे वल्लों कीता गया, जिस दे विच बहुत वड्डा इकट्ठ हो गया है। सारे वड्डे किसान आगू इस इकट्ठ दे विच पहुंचे ने अते एक बार फिर तो केंद्र सरकार नूं ताड़ना करदे इत्थे किसान आगू देखे गए ने। उन्नी देर तक संघर्ष तों पिछे नहीं हटांगे जिन्नी देर तक केंद्र सरकार तिन्ने खेती कानून रद्द नहीं करदी है अते MSP नूं लैके एक नवां कानून नहीं बनाउंदी है, उन्नी देर तक संघर्ष जारी रहेगा। जगराऊं दी महापंचायत दे विच किसानां दे वल्लों ए ऐलान कर दिता गया है। इत्थे खास गल ए वी है कि जिन्ने भी ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कीते गए ने उन्हां नूं समर्थन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों अते भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे वल्लों भी दे दिता गया है। भाव सारियां किसान जथेबंदियां जिन्ने भी ऐलान कीते गए ने उन्हां नूं पूरे देश दे विच लागू करवाउणगियां, सारे आपस विच एकजुट हुंदे दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे हां, जेकर गल किसानां दी एकजुटता दी कर रहे हां तां इक मुद्दे ते आ के किसानां दी एकजुटता टुटदी दिखाई दिंदी है। किसान आगुआं दी नहीं, किसान आगू अते आम लोकां दी एकजुटता दे विच त्रेड़ आउंदी दिखाई दिंदी है, क्योंकि दीप सिद्धू नूं लैके दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है ते दीप सिद्धू नूं लैके कई लोग अजिहे ने जिहड़े कि किसानी अंदोलन दे नाल शुरू तो जुड़े हुए सन, पर हुण उह इस वेले चाहुंदे ने कि किसान आगुआं नूं दीप सिद्धू की पैरवी करनी चाहीदी है। पर किसान आगू सीधे तौर पर कह चुके ने कि वह BJP का बंदा है, असी उसकी पैरवी नहीं करांगे। इस नूं लैके हुण पूरे पंजाब दे विच मुहिम भी छिड़दी दिखाई दिंदी है। बठिंडा दे विच एक मोटरसाइकिल मार्च दीप सिद्धू की रिहाई नूं लैके मंग नूं लैके कढ़िया गया सी अते एक मार्च अज सिंघू बार्डर ते भी कुछ लोगों के वल्लों कर दिता गया है। 2.5-3 किलोमीटर का मार्च किया गया, मांग की गई कि दीप सिद्धू नूं छेती तो छेती रिहा केंद्र सरकार के वल्लों किया जाना चाहिए। इस तों इलावा नौदीप कौर की रिहाई की मांग भी इस मार्च के विच कर दी गई है। पर जेकर गल करिए दिल्ली पुलिस की, तो उसके वल्लों दीप सिद्धू के मसले पर लगातार जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों तो मिली खबरों के मुताबिक जिहड़ी जांच की जा रही है वह सारी दीप सिद्धू की मोबाइल लोकेशन ते आधारित है, भाव कितों कितों मोबाइल उसका चलिया सी दीप सिद्धू का, उसनू लैके दिल्ली पुलिस दे वल्लों जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जिस दिन यह घटना वापरी सी भाव 26 जनवरी, उस तो बाद दीप सिद्धू कदे भी एक जगह पर नहीं टिकया, उसका मोबाइल वख-वख जगह पर जाता रहा। इस करके वख-वख सूबों के छापेमारी करन तो बाद दीप सिद्धू नू करनाल तो गिरफ्तार कर लिया गया सी। इस तरह दीप सिद्धू नूं लैके मसला भखदा दिखाई दिंदा, इत्थों तक भखदा दिखाई दिंदा है कि लखा सधाणा ने भी किसान आगुआं नूं एक अपील कर दित्ती है। लखा सधाणा ने एक वीडियो जारी की है जिस दे विच उन्होंने कहा है कि इस वेले किसानी अंदोलन नूं एकजुटता की बहुत ज़्यादा लोड़ है, आपस में विचारां दे वखरेवें बहुत हुंदे ने, मेरे भी वखरेवें किसान आगुआं दे नाल हैगे ने, स्टेजां तों किसान आगुआं ने साडे बारे भी बहुत कुछ बोल दिता है, पर मैं सारा कुछ भुला के एकजुटता दिखाउणा
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਏਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਮ ਦੋ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ
मोदी अते शाह दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दा समझौता होया पिया है, पर जेकर कोई लड़की जानबुझ के हिरासत दे विच रखी हुई है उसकी रिहाई लई तां कैप्टन अमरिंदर सिंह आवाज़ चुकी सकदे ने। जान हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नाल गलबात करन अते नौदीप कौर नूं रिहा करवाउण, उन्हां दा इह संविधानक फर्ज वी अते नैतिक फर्ज वी बणदा है। इस तरह विरोधी धिर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं इस मसले ते घेरदी दिखाई दिंदी है। विरोधी धिर तां कहिंदी है कि बाकियां दी पैरवी वी पंजाब सरकार नूं करनी चाहीदी है जिन्हें भी हिरासत विच ने, पर नौदीप कौर नूं तां घट्टो घट छुड़ा लिया। इस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस मसले ते घेरदे दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे आ। केंद्र सरकार दे वल्लों बड़ा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार नूं लैके कुछ अंकड़े सामने आए ने जिहड़े के युवापा नाल संबंधित हन। 2016 तों लैके 2019 तक दे अंकड़े नैशनल क्राइम ब्यूरो दे वल्लों जारी किए गए ने। उन्हां दे अंकड़ें दे मुताबिक जदों तों मोदी सरकार आई है 2016 तो लैके 2019 तक के 3 साल के अंकड़े जारी किए गए हैं, जिन्हां दे विच दस्या गया है कि इन्हां 3 सालों के 5922 व्यक्तियों को युवापा UAPA दे तहत गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हां दे विचों 2019 दे विच 1948 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अते टोटल 5922 दे विचों हुण तक 132 नूं बरी भी कर दिता गया। ये अंकड़े दसदे ने कि मोदी सरकार दे विच युवापा दे तहत गिरफ्तारियां बहुत वड्डे पद्धर ते कीतियां जा रही ने। एक सवाल पूछा गया सी केंद्र सरकार दे कोलों, उस सवाल दे जवाब दे विच ये जानकारी सामने आई है। भाव केंद्र सरकार दे वल्लों काफ़ी सख्ती उन्हां लोकां दे खिलाफ वरती जा रही है जिन्हां बारे भाजपा लगता है कि ये देश ध्रोह वर्गे काम करते हैं। अगली खबर के वल वधदे आ। केंद्र सरकार दे नाल ही जुड़ी हुई है, केंद्र सरकार की सख्ती दे नाल ही जुड़ी हुई है। देश दे सूचना तकनोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद दे वल्लों संसद दे विच अज फेसबुक, वट्सएप, ट्विटर अते लिंक्डइन नूं सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भारत सरकार पूरी तरह लोगों की आजादी के पक्ष में है, बोलना उन्हां दी संविधानक आज़ादी है लोगों की, पर जेकर कानून नूं शिक्के ते टंगिया जाएगा अते ये सारे जिहड़े सोशल मीडिया के मंच ने जेकर ये अफवाहां फैलाउणगे, हिंसा फैलाउणगे जां फिर देश दे विच अशांति फैलाउण दा काम करनगे तां इन्हां ते केंद्र सरकार दे वल्लों भारत सरकार दे वल्लों सख्त तों सख्त कार्रवाई की जा सकती है। संसद दे विच केंद्रीय मंत्री दे वल्लों अजिहा बयान जारी किया गया, सीधे तौर पर चेतावनी, सीधी चेतावनी इन्हां सोशल मीडिया मंचां नूं केंद्र सरकार दे वल्लों जारी कर दित्ती गई है। केंद्र सरकार इन्नी गुस्से दे विच क्यों है, क्योंकि ट्विटर नूं इन्हां ने कुछ केंद्र सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट डिलीट करन नूं कहा सी जिहड़े कि किसानी अंदोलन नाल संबंधित ने। केंद्र सरकार ने कहा कि ये सारे झूठ फैला रहे हैं, इन्हों डिलीट कर दियो। ट्विटर ने कुछ कुछ डिलीट कर दिए पर बाकियों डिलीट करन तो ट्विटर अकाउंट हटाने तो ना कर दी। उन्होंने कहा कि असी किसी की आज़ादी नहीं खो सकते, ये सारे ट्विटर अकाउंट कानूनों से खरे उतरते हैं, असी डिलीट नहीं करांगे। उस तो बाद ही केंद्र सरकार गुस्से दे विच आउंदी दिखाई दिंदी है अते कुछ BJP लीडरां दे वल्लों हुण कू ऐप नूं प्रमोट किया जा रहा है। ट्विटर की जगह पर भारत दे विच एक कू ऐप बनाया गया है, उसकी प्रमोशन हुण भाजपा दे वल्लों की जाण लगी है। हो सकता है आने वाले दिनों दे विच ट्विटर, फेसबुक, वट्सएप वगैरह भारत दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों बैन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस सख्ती दे मूड दे विच केंद्र सरकार दिखाई दिंदी है कोई भी नहीं बचेगा, इंजी जापदा है। अगली खबर के वल वधदे आ, जिहड़ी कि 26 जनवरी की हिंसा दे नाल जुड़ी हुई है। नवरीत सिंह नां दा नौजवान 26 जनवरी की हिंसा दे विच मारिया गया सी। जिहड़े नवरीत सिंह दे साथी ने उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने गोली मारी सी, ट्रैक्टर का संतुलन विगड़ गया, ट्रैक्टर पलट गया अते नवरीत सिंह की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस कहती है कि असी गोली नहीं चलाई सी। इस मसले दे विच नवरीत सिंह दे दादा हरदीप सिंह दे वल्लों दिल्ली हाई कोर्ट दे विच एक पटीशन पाई गई सी कि इसकी SIT बना के एक जांच करवाई जानी चाहिए है ता जो पता लग सके कि आखिर मौत हुई किवें है। हुण दिल्ली दी हाई कोर्ट दे वल्लों इस मसले दे विच दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, UP पुलिस अते रामपुर दे CMO नूं नोटिस जारी कर दिता गया है। रामपुर दे CMO नूं नोटिस इस करके जारी किया गया है क्योंकि उत्थों दे हस्पताल विच ही नवरीत सिंह दा पोस्टमार्टम किया गया सी। इस सब दे विच सुखपाल सिंह खहरा इस मुद्दे नूं शुरू तो चुकदे दिखाई दिंदे ने। वो दस रहे ने कि ये एक वड्डी कामयाबी मनी जा सकती है। खहरा तां इह वी दावा करदे ने कि कोर्ट ने इसकी जिहड़ी घटना हुई है उसकी CCTV फुटेज भी पुलिस दे कोलों, दिल्ली सरकार दे कोलों मंग ली है।
खेरा का बयान तुहानू सुना दिंदे आ। असी स्वागत करते हैं जिहड़ा दिल्ली हाई कोर्ट ने अज नवरीत कतलकांड विच जो ITO क्रॉसिंग विच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड विच मारिया गया सीगा उस विच सरकार नूं ते दिल्ली पुलिस नूं नोटिस जारी करदे आ 26 फरवरी की डेट फिक्स की है और उहदे च उहनां नूं हदायत की है कि जिहड़ी ITO क्रॉसिंग की टोटल CCTV फुटेज और जो स्टेटस रिपोर्ट है वह अदालत सामने भी रखी जाए और उसकी एक कॉपी पटिशनर जिहड़े ने हरदीप सिंह डिबडिबा जिन्हों का पोता मारिया गया सीगा उत्तर प्रदेश के रहने वाले ने उन्होंने भी एक कॉपी सप्लाई की जाए। इस असी मंग करते हैं कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नूं एक न्यायिक जांच ऑर्डर करनी चाहिए आ जो कुछ भी वापरिया उदन 26 जनवरी नूं किते ये तो नहीं सीगा कि दिल्ली पुलिस ने जिदा हुण सुनन ते देखण नूं आ रहा कि उन्होंने सारे ट्रैक्टर परेड जिहड़े असल रूट सीगे किसान अंदोलन दे उन्होंने आपे ही बैरीकेडिंग करके ब्लॉक करके ते लोगों नूं रेड फोर्ट की तरफ भेजा क्योंकि गाजीपुर विच जो मैं उस भोग ते गया बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिहड़ा असल रूट दिता सी गाजीपुर तो ट्रैक्टर परेड का असल रूट के उत्ते आपे ही दिल्ली पुलिस ने बैरीकेडिंग करती ते सानू मजबूर किया कि असी ITO क्रॉसिंग ते रेड फोर्ट वालों जाइए। हुण सारे मसले दे विच दिल्ली हाई कोर्ट दे वल्लों जज दे वल्लों 26 फरवरी तक इन्हां सारियां तरहां दे कोलों जवाब मंग लिया गया है। जेकर जांच होएगी तां ही पता लग सकेगा कि आखिर सच्चाई है की। अगली खबर दे वल वधदे आं। पंजाब दे नाल खबर जुड़ी हुई है, लोकल चोणां दे नाल जुड़ी हुई है। बीते दिन एक मोगा दे विच घटना हुई सी जिस दे विच कांग्रेसी उम्मीदवार दे पति दे वल्लों गड्डी चाड़ के दो व्यक्तियों के उपर गड्डी चढ़ा के उन्हां दा कतल कर दिता गया सी कथित तौर ते। इस मुद्दे नूं लैके हुण विरोधी धिर दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अस्तीफा मंगिया जा रहा है। मोगा पहुंचे सन विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा अते ओह कहिंदे ने कि पूरी तरह पंजाब दे विच कानून व्यवस्था नूं सांभण दे विच संभालण दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल हो गए ने अते उन्हां नूं इस करके तुरंत मुख्यमंत्री दे अहुदे तों गृह मंत्री दे अहुदे तों अस्तीफा दे देना चाहीदा है क्योंकि पंजाब दे विच बहुत सारियां अजिहियां घटनावां हो रहियां ने जिन्हां दे विच कांग्रेस पार्टी दे लीडरां ते अते वर्करां ते गुंडागर्दी करन दे धक्केशाही करन दे इल्जाम लगदे दिखाई दिंदे ने भावें आम आदमी पार्टी होवे भावें श्रोमणी अकाली दल होवे अते भावें भारतीय जनता पार्टी होवे सारियां दे वल्लों कांग्रेस पार्टी ते धक्केशाही करन दे इल्जाम लाए जा रहे ने। जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी दी, इस नाम तों उन्हां दा इक उम्मीदवारी किडनैप हो गया सी, उन्होंने इल्जाम ला दिए कांग्रेसियों ने किया है। श्रोमणी अकाली दल की गल करिए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान से ही हमला हो गया सुखबीर सिंह बादल से। भाजपा की गल करिए अज एक बार फिर तो संगरूर दे विच आम लोगों के वालों विरोध कर दिया गया है। हालांकि वह कहिंदे ने कि विरोध साडा आम लोगों के वालों नहीं किया जा रहा, पंजाबी तो सानू सरकार फड़ाउणा चाहते हैं, दिलों के वसदी है भारतीय जनता पार्टी, ये जिहड़े विरोध करते हैं ये कांग्रेसी वर्कर ने, इस गुंडागर्दी ते रोक लगनी चाहिए है। उन्होंने तो सीधे तौर पर एक फोटो भी जारी कर दी है कि भाजपा ना तो डरी सी ना ही डरती है, 14 फरवरी को वोटां पैणगियां ते भारतीय जनता पार्टी ही इन्हां लोकल चोणां दे विच जितेगी। BJP दे वल्लों अजिहे दावे लगातार किए जा रहे ने। अगे वधदे आ, दो खबरां ने, दोवें खबरां कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दी पोल खोलदियां ने। पहली गल करदे आ, करजा मुक्ति दा वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों किया गया सी, सारे करजे ते लीक मार देंगा, तुसी किसे दा कोई भी करजा नहीं देना, मेरी सरकार बनेगी, करजा मेरा होएगा, मैं उतारांगा। पर अजे भी खुदकुशियां दा दौर नहीं रुक रहा है, लगातार खुदकुशियां दीआं खबरां सामने आ रहियां ने। बठिंडा दा एक पिंड है जोधपुर पाखर जिथों के जसपाल सिंह नां दे किसान दे वल्लों फाहा लैके खुदकुशी कर ली गई है। 2 एकड़ जमीन है, 18 लाख कर्जा सी जिस दे करके चिंता विच रहिंदा सी, फाहा लैके खुदकुशी कर ली है, पिछे अपने परिवार नूं छड़ गया है। पिता ने जानकारी दी है कि ना तो उसका ना कर्जा मुक्ति दे विच आया, सरकार ने उसकी कोई भी सुध नहीं ली। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि जिन्हें भी 2.5 एकड़ तक के किसान सन सारियां दा कर्जा मुआफ असी कर चुके हैं, पर 2 एकड़ वाला किसान जसपाल सिंह कर्जे दे करके खुदकुशी कर गया है, सरकार की पोल खुलदी दिखाई दिंदी है। अगे वधदे हैं, नशे वाले पासे आउंदे हैं। कैप्टन सरकार ने वादा किया सी नशा खत्म कर देंगे, पंजाब नूं बड़ा वधिया बना देंगे, पर खबरां लगातार आ रही ने। एक खबर तुहानू कल सुनाई सी कि ओवरडोज दे करके नौजवान की मौत हो गई है। अज की खबर तरन तारण के भिखी विंड का एक पिंड है, भिखी विंड के नेड़े पहलवान के दराज के पिंड का नाँ है, उत्थों के नौजवान की मौत स्मैक का टीका लाने के करके हो गई है।
जिस तों बाद परिवार काफ़ी गुस्से दे विच दिखाई दिंदा है, रो रो के उन्हां दा बुरा हाल है अते इल्जाम उत्थों दे कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह भुल्लर ते लगदे दिखाई दिंदे ने। परिवार कहिंदा है कि इन्हां ने चोणां तों पहलां वादा कीता सी नशे खत्म कर देंगे। सब नूं पता है, MLA भी जानदा है किसमें कौन वेचदा चिट्टा कौन वेचदा है, पुलिस नूं भी पता है, पर कोई भी साड़ी नहीं सुनदा। परिवार का बयान भी तुम सुना दिने। टीका किन्ने दिता जां किन्ने लाया? बहू पिंड सारे पुलिस वाले नूं पता कौन वेचदा बाइकां दे, क्यों नहीं पढ़ते? भावें के परिवार इस वेले बयान देने दे हालात विच नहीं, पर फिर भी उन्होंने वालों उत्थों के स्थानक विधायक सुखपाल सिंह भुल्लर का नाम लिया जा रहा है, उन्होंने लानतां पाईयां जा रही ने। आए दिन ही कोई ना कोई अजिही दुखद खबर सामने आ जाती है अते सरकार कहती है कि नशा जड़ों पुट्टण वाले आ लक तोड़ दिता है। यह कुछ वो जानकारी जो थोड़े तक पहुँचाई बहुत जरूरी सी। इन खबरों में किसी खबर बारे या फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे थोड़ी कोई भी राय या सुझाव है कमेंट करके अपनी राय जरूर दो। चैनल पर जेकर नवे आए हो सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर फेसबुक पर देख रहे हो पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। तुसीं देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर का सच।